नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सप्लोरर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। मंगल का राशि परिवर्तन जानते हैं, कुंभ राशि का हाल कैसा प्रभाव देने वाले हैं, मंगल कितना मंगल होगा कितना अमंगल होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर से प्रार्थना है। ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी राशि को बदलने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा जाता है। मंगल तेज है, शौर्य है, शक्ति है, ऊर्जा है, मंगल पराक्रम है, मंगल युवा है, आपकी धमनियों में बहता हुआ गर्म रक्त है मंगल। मंगल तेज, शौर्य और क्रोध भी है। ग्रहों के सेनापति यह परिवर्तन कन्या राशि से तुला राशि में करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मंगल और वक्री बुध का मिलन भी होने जा रहा है। यह मंगल का परिवर्तन आपके लिए कितना मंगलकारी है, कितना अमंगलकारी है, जानते हैं विस्तार पूर्वक। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। बुध 5 दिसंबर तक वक्री होकर तुला राशि में रहेंगे। बुध वक्री अवस्था में है, मंगल की युति होगी 5 दिसंबर तक बुध के साथ, जबकि मंगल लगभग 45 दिन तक 25 दिसंबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं। मंगल की चौथी सातवीं दृष्टि होती है और मंगल जहां पर बैठे होते हैं वहां से चौथे सातवें और आठवें देखते हैं। वैसे तो सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि कही जाती है। मंगल ग्रह जो है तुला राशि में अस्त होते हैं, यानी तुला राशि मंगल के लिए अस्त राशि है। तो अब ये सारी जो बातें हैं आपको मैंने बता दी और इसके आधार पर ही हम आपकी राशि को देखने वाले हैं, क्या मंगल परिणाम देने वाले हैं, बुध के साथ युति करके क्या परिणाम देंगे, अकेले मंगल क्या परिणाम देंगे, बाकी अन्य ग्रहों के साथ मंगल का जो दृष्टि संबंध बनेगा आपकी गोचर कुंडली में उससे क्या परिणाम मिलेंगे। तो मंगल का यह गोचर आपके साथ किस प्रकार का फल देने वाला है, आइए विस्तार पूर्वक अब जानते हैं आपकी राशि का हाल। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। गोचर कुंडली में देखिए मंगल की स्थिति कहाँ पर आती है। मंगल आते हैं जहां पर लिखा हुआ है 7 नंबर, यानी नवम भाव में। मंगल का गोचर नवम भाव, भाग्य भाव में होगा और कुछ वक्त तक वक्री बुध भी यहाँ होंगे नवम भाव में। तो आइए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों के इस समीकरण का आपके जीवन के ऊपर। आपके लिए यह गोचर कितना अच्छा रहने वाला है ये भी जानेंगे, क्या उपाय करने हैं वो भी जानेंगे। आपके लिए यह गोचर लगभग लगभग अच्छा रहने वाला है, अच्छे परिणाम देने वाला होगा, लेकिन आपके परिवार में विवाद या कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी कि परिवार के सदस्यों को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता होगी। आपके पिताजी से आपका झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, आप लोगों के विचार नहीं मिल सकते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो तनाव की स्थिति में बदल सकता है। तो पिताजी से संबंध को अच्छा रखने का प्रयास करिएगा। और इसके साथ साथ जब आपके घर में वाद विवाद हो रहा होगा तो हो सकता है छोटे भाई बहन भी आपका सपोर्ट ना करें, जिसकी वजह से छोटे भाई बहन या खास करके छोटे भाई और आपके पिताजी से आपकी नहीं बनेगी, और यही ना बनना ही घरेलू खटपट का कारण हो सकता है। यानी और भी कारण होंगे जिससे घर में अशांति होगी, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। तो बीच बीच में आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपस में वाद विवाद होता रहेगा, बहस होती रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो सकती है जुबानी तौर पर। आपको कम मित्रों का साथ मिलने वाला है इस समय में, लेकिन जो भी होंगे एक दो वो अच्छे होंगे। वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप शौर्य और उत्साह से भरे रहेंगे और वक्त को जिएंगे। यानी कि कठिनाइयां कितनी भी आए, परेशानियां कितनी भी आए, चाहे नौकरी के क्षेत्र में आए, व्यापार में आए, घर परिवार में आए, सेहत से संबंधी आए, लेकिन आपके अंदर जीने की इच्छा कायम रहेगी, आगे बढ़ने की इच्छा कायम रहेगी, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आप में उत्साह बना रहेगा, आप महत्वाकांक्षी बने रहेंगे, आप अध्यात्म का सहारा भी ले सकते हैं या ले सकती हैं। तो अध्यात्म का सहारा लेने से आपको और शक्ति प्रदान होगी और आप अच्छी तरीके से अपने समय को
जी पाएंगे। एक तरफ कठिनाई आएगी तो दूसरी तरफ कठिनाइयों से लड़ने की ताकत भी ईश्वर आपको देगा। तो यानी कि एक हाथ आपको दुख आता है तो दूसरे हाथ दुख से बचने का तरीका भी आपको मिल जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मेहनत आपको निराश नहीं करेगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपको जमीन जायदाद घर की प्राप्ति हो सकती है, या इससे जुड़ा हुआ कोई मामला अटका हुआ था तो आपके पक्ष में आ सकता है। पारिवारिक समस्याएं, कोर्ट कचहरी की समस्याओं को आप जीत सकते हैं। परिवार में अगर कोई ऐसी बात हो गई है जो कोर्ट कचहरी को तक चली गई है या घर के बाहर चली गई है, तो वहां पर आपकी विजय होती हुई दिखाई पड़ रही है। घर की कोई पैसों संबंधी, जमीन जायदाद संबंधी मामला है जो कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो फैसला या मध्यस्थता आपके पक्ष में होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपके मन में शत्रु का भय नहीं होगा, आप शत्रु से नहीं डरेंगे, हर परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगे। मेहनत के बल पर आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे और मेहनत करते रहेंगे, यानी कि पुरुषार्थ बल आपका काफी मजबूत रहने वाला है। विदेश यात्रा से भी लाभ प्राप्त होगा। आपका कैरियर अगर सेट नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो वह भी अब सेट होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, यानी कि सामान्य से अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक संबंध यानी पति पत्नी के बीच रिश्ते न ज्यादा खराब होंगे न ज्यादा बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपसी तालमेल से गाड़ी आगे निकल जाएगी। बेरोजगार हैं तो शीघ्र नौकरी मिल सकती है। पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों के लिए वक्त बढ़िया रहेगा। अगर आपको बहुत अच्छा वक्त बिताना है तो थोड़ा एकाग्रता, योग, प्राणायाम करिएगा, लाभ मिलेगा। अगर आपके झगड़े ऑफिस में अपने बॉस या बड़े अधिकारियों से बढ़ते हैं तो आपको सुंदरकांड पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, अगर आप नौकरी पेशा महिला पुरुष हैं और आपके झगड़े अपने बॉस या अपने ऑफिस के उच्च अधिकारियों से बढ़ते हैं इस समय अंतराल में, तो आपको सुंदरकांड पढ़ना या हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत जरूरी होगा। इससे इन बढ़ती हुई दूरियों में, इन बढ़ते हुए झगड़ों में कमी आएगी जो आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती है। मंगल अब आपका अमंगल नहीं करेंगे जब आप कुछ उपाय करेंगे। नंबर एक उपाय में क्या चीज है, क्रोध से दूरी बनाकर रखें, वाणी को मीठा रखें। जैसा मैंने कहा, सुंदरकांड का पढ़ना, हनुमान चालीसा का पढ़ना आपके लिए हितकारी रहेगा। मंगलवार को मंदिर जाएं, हनुमान जी के वहां पर भोग चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, और वहां पर जो भी आप यथासंभव सहायता कर सकते हैं वो करें। वहां पर बैठ के हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिएगा, इससे आपको काफी राहत और शांति प्राप्त होगी। और जैसे मैंने आपको कहा, योग प्राणायाम का सहारा जरूर लीजिएगा, इससे आपके दिमाग में एकाग्रता आएगी। अपने पिताजी से रिश्ते बेहतर बनाने के लिए कोशिश करिएगा और बड़ों का सम्मान करिएगा। इसके साथ साथ अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ निश्चय लेकर आगे बढ़िएगा इस समय अंतराल में, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन शत्रु को हल्का भी नहीं समझना चाहिए, नजर बना के रखनी चाहिए, सेहत के प्रति ध्यान देना चाहिए। क्रोध और आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और अपनी वाहन की गति पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, और साथ साथ जुबान की गति पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इतना कर लीजिए, आप कुंभ राशि वालों के लिए वक्त शानदार हो जाएगा। बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में समस्याएं समाप्त ही नहीं होती हैं और समस्याओं के बाद समस्याएं आ जाती हैं। कारण बहुत हो सकते हैं, उन कारणों को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली की विवेचना करानी चाहिए, और फिर देखेंगे कि क्या कारण हैं जो आपको दुख दे रहे हैं, और उन कारणों को निकाल कर वहां पर सुख को भर देंगे, प्रसन्नता को भर देंगे, जिससे आप खुश हो जाएंगे और जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और जानिए कि कैसे आपके दुख समाप्त होने वाले हैं, कुंडली में क्या लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में खुशियाँ ईश्वर देता रहे, ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के ज्ञान से आप आगे बढ़ते रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें, और परिस्थिति और वक्त कैसा भी हो आपको डट कर लड़ना है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपायों को अपना कर अपने जीवन में खुशहाली लेकर आनी है, और हमारी वीडियोस को देखकर सही समय पर जानकारी प्राप्त करके आपको संकेत मिल जाता है कि कब और क्या कैसे करना है। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, वक्त कैसा भी हो। हरिओम, नमस्कार।